आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने कॉपीराइट क्लेम को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉपीराइट क्लेम हम अपने वीडियो से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप में जो क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन करेंगे और फिर हम यहाँ से YouTube सर्च करते हैं। ये YouTube को सेलेक्ट किया, अब तो ये देखिए YouTube खुल चुका है और अब हम अपने चैनल को या तो सर्च बार से सर्च कर सकते हैं और मेरे केस में YouTube चैनल यहाँ से भी मैं ओपन कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च बार से अपना YouTube चैनल सर्च करता हूँ, आशीष सूल फैमिली। ध्यान रखें जैसे मेरे चैनल के नाम में आशीष सूल फैमिली में बीच में स्पेस है तो वही टाइप करें। अब मैंने एंटर कर दिया, ये देखिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है आशीष सूल फैमिली के नाम से और वो ये आ गया। तो आइए इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने पर ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो खुल गया। तो ये रहा हमारा चैनल्स को हमने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर YouTube स्टूडियो को सेलेक्ट करना है। हमने YouTube स्टूडियो जैसे सेलेक्ट किया तो ये स्क्रीन खुलकर आई हमारे सामने। ये देखिए आपके यहाँ पे पब्लिश वीडियो दिख रहे होंगे, यहाँ पे गो टू वीडियो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद ये आपको आपके सारे जो भी आपने वीडियो अपलोड किए हैं वो दिख रहे हैं। जैसे मैंने अभी तक टोटल 17 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है और ये कर्सर में लाइव दिया हुआ है यहाँ पे फिल्टर, तो आप फिल्टर पे चले जाइए और यहाँ पर फिल्टर में आपको ऑप्शन आते हैं एज रिस्ट्रिक्शंस कॉपीराइट क्लेम्स। तो देखिए ये फिल्टर से कॉपीराइट क्लेम में शॉर्ट लिस्टेड कर लीजिए जितने भी वीडियो हैं। तो ये देखिए अभी भी कुछ वीडियो जो है मेरे ये कॉपीराइट क्लेम देखिए ये दिखा रहे हैं। अब देखिए इसी कॉपीराइट क्लेम पर जब हम कर्सर को रखते हैं तो ये आता है सी डिटेल, तो सी डिटेल में आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखता है कि चैनल पर इम्पैक्ट क्या है, नॉट अफेक्टेड। चैनल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नॉट अफेक्टेड, तो उससे कोई भी जो है इफेक्ट हमारे चैनल को नहीं पड़ रहा है। पब्लिक है हमारा जो है वीडियो, पब्लिक है अभी, लोग देख सकते हैं उसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए हैंड साई करके जो सॉन्ग मैंने यूज़ किया हुआ है उसकी वजह से मुझे जो है कॉपीराइट ऑनर पॉलिसी के थ्रू जो कंटेंट आईडी इन्हें मिली थी, ये देखिए इनका जो भी ये है कॉपीराइट ऑनर्स जो है उन्होंने मुझे कॉपीराइट जो है क्लेम जो है रिपोर्ट किया होगा यूट्यूब को, तो यूट्यूब ने मुझे कॉपीराइट क्लेम कर दिया है। तो ये देखिए वीडियो में जहाँ भी जिस सेक्शन में कॉपीराइट क्लेम आपको मिला होगा वो वहाँ पर आपको इस तरह से जो है वाइट पट्टियाँ बन जाती हैं, ठीक है। और दीजिए तो आप सी सेलेक्ट एक्शन में जाइए और देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ऑप्शन है ट्रिम आउट सेगमेंट, रिप्लेस सॉन्ग और म्यूट सॉन्ग। तो आप इसे, तो मैंने क्या किया है म्यूट सॉन्ग को सेलेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं अब टेंशन नहीं लेना चाहता। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन आते हैं म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग प्लेस। तो देखिए स्टार्ट टाइम 1:15 और एंड टाइम क्या है आपका ये दिया हुआ है, तो हमने ऑल सॉन्ग को सेलेक्ट कर लिया है। और एक दूसरा ऑप्शन आता है म्यूट सॉन्ग ऑनली, जो कि मतलब रिमूव द क्लेम सॉन्ग ऑनली कीपिंग द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग। दिस ऑप्शन यूजली टेक लॉन्गर एंड माइट नॉट वर्क इफ द सॉन्ग इज हार्ड टू रिमूव। तो ये इससे अच्छा है कि मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ। मैंने कई जगह पर ऐसे जो वो सॉन्ग है उसको यूज़ किया था, उस सॉन्ग के टोन को यूज़ किया था, दरअसल में सॉन्ग यूज़ नहीं किया था। तो आइए इसमें कंटिन्यू में चाहते हैं और ये हम इसे म्यूट पे लगा देते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर प्रोसेसिंग वीडियो, अब ये क्या कर रहा है म्यूट सॉन्ग इज इन प्रोग्रेस। तो अब उस जितने भी सॉन्ग के क्लिप मैंने यूज़ किए वहाँ पर वो जो जाएंगे म्यूट हो जाएंगे। और ये पूरी देखा और ये देखिए पूरी प्रोसेस बता रखा है कि दिस प्रोसेस माइट टेक अ वाइल, यू मे क्लोज दिस विंडो एंड चेक बैक लेटर। तो आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, आप विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने विंडो को क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चेकिंग
वन फाउंड, तो वो चेक कर रहा है उसको फाउंड करेगा और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। तो इस तरह से आप उसके बाद जो होता है वो सारे सॉन्ग क्या हो जाएंगे, म्यूट हो जाएंगे और आपका जो वीडियो है वो कॉपीराइट क्लेम से जो है फ्री हो जाएगा। तो कॉपीराइट क्लेम के इशू को अपने वीडियो से कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है और आपके लिए यूज़फुल है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। और कैसा लगा आपको ये मेरा समझाने का तरीका, उस बारे में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ब्लॉग था और ये एक लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं है। तो जो भी लोग, जो भी फ्रेंड, जो भी सब्सक्राइबर और जो भी मेरे अपने मेरे इस ब्लॉग को रेगुलरली देख रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए ये आज का ब्लॉग जो है इंटरेस्टिंग ना हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आज मैं केवल इसी इन्फॉर्मेशन बेस्ड ब्लॉग को ही डालने की सोच रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने आज कोई लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं डाला है। मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड ब्लॉग जो है उसका क्या रिस्पांस है, और इससे कई लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। तो आप मेरे इस ब्लॉग को भी देख रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ, तो आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका, और उन सभी लोगों को जो मेरे ब्लॉग को निरंतर देख रहे हैं और उसे अपना लव सपोर्ट दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। तो उन सब के लिए एक बिग बिग थैंक यू। और जो भी लोग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस ब्लॉग तक पहुँचे हैं, तो उन सबसे भी अनुरोध है मेरा कि प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल आशीष सोल फैमिली को सब्सक्राइब करें और हमारे इस फैमिली का हिस्सा बने और हमारी इस फैमिली को ग्रो करने में मदद करें, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने अपनों तक पहुंचा करके। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और फिर चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए।